तो गाइस वीवो प्रो कबड्डी सीजन 7 का मैच नंबर 1 हमें देखने को मिलेगा तेलुगु टाइटंस वर्सेस यू मुंबई के बीच गाची बाउली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में 20 जुलाई को शाम 7:30 से लाइव ऑन स्टार स्पोर्ट और हॉट स्टार। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी मैच का प्रीव्यू। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो दोनों टीमों के बीच 10 मैचेस हुए हैं, 4 मैचेस जीती है तेलुगु टाइटंस और 4 मैचेस जीती है यू मुंबई और 2 मैचेस रहे हैं टाई। तो गाइस हेड टू हेड देखकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इन दोनों टीमों के बीच कितना ज़्यादा नेल बाइटिंग मैच होता है, और इस बार भी बहुत ही ज़्यादा नेल बाइटिंग मैच होने वाला है ऐसा लगता है। बात करें दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन के बारे में, तो तेलुगु टाइटंस की स्टार्टिंग सेवन हो सकती है सेंटर पे सिद्धार्थ देसाई, राइट कवर पे फराद मेलागर्दन, लेफ्ट कवर पे सी अरुण, राइट इन पर सूरज देसाई, लेफ्ट इन पर अरमान, राइट कॉर्नर पे अबुजर मिघानी, लेफ्ट कॉर्नर पे विशाल भारद्वाज। वहीं पर अगर हम नजर डालें यू मुंबई के स्टार्टिंग सेवन के ऊपर, तो उनका स्टार्टिंग सेवन हो सकता है सेंटर पर अभिषेक सिंह, राइट कवर पे सुरेंद्र सिंह, लेफ्ट कवर पे योंग चेंग को, राइट इन पर अतुल एमएस, लेफ्ट इन पर रोहित बालियान, राइट कॉर्नर पे संदीप नरवाल और लेफ्ट कॉर्नर पे फजल अतरचली। तो गाइस स्टार्टिंग सेवन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार आप प्रो कबड्डी देख के बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। कैसे? एमपीएल खेल के। एमपीएल में आ चुका है सुपर टीम का ऑप्शन, जहां पर आप कबड्डी मैचेस में ड्रीम सेवन लगा के पैसे कमा सकते हो। तो मैं बोलूंगा अगर आपको कबड्डी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में एमपीएल का लिंक है, डाउनलोड करो, और अगर आप चाहो तो मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो। तो पहला मैच है प्रो कबड्डी का तेलुगु टाइटंस वर्सेज यू मुंबई के बीच। तो आप कोई सा भी एक कॉन्टेस्ट पिक कर लो, और पिक करने के बाद आपको टीम बनाना है। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा था टीम रजिस्टर, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड टीम पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपना टीम बना लेना है। तो गाइज ये मैंने अपना टीम बना लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप भी एक ऐसा टीम बना सकते हो तो आपके जीतने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी टीम बना सकता हूँ तो आप खुद से भी बना सकते हो। जो भी है मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करो। तो गाइज जब हम करते हैं दोनों टीमों को एनालाइज, तो तेलुगु टाइटंस और यू मुंबई दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टीम्स है। तेलुगु टाइटंस की अगर हम बात करें तो उनका ऐसा है कि उनके कुछ पोजीशंस पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, लेकिन कुछ पोजीशन उनका बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे आप कॉर्नर को ले लो, कॉर्नर इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इनके पास विशाल भारद्वाज है, अबुजर मिघानी है, लेकिन अगर आप कवर देखो तो इनके पास अच्छे कवर प्लेयर नहीं है, फराद मेलागर्दन है और सी अरुण है। सी अरुण बिल्कुल फॉर्म में नहीं, और फराद कभी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं नहीं करते हैं, तो वो एक अच्छे कवर नहीं है मेरे हिसाब से। और आप इनके मेन रेडर को देखो तो वो है सिद्धार्थ देसाई, जो बहुत बड़े रेडर हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि सिद्धार्थ देसाई के अलावा इनके पास कोई अच्छा रेडर है नहीं। सूरज देसाई को हम पहली बार देखेंगे, तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई भी टीम में नहीं है, तो ये इनका प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट टीमें हैं दोनों। अगर वहीं पर हम यू मुंबई की बात करें तो यू मुंबई ऐसी टीम है जिनका डिफेंस में तो यार कोई टीम उनको टक्कर नहीं दे सकता, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है उनका। उनके पास संदीप नरवाल है, फजल हैं, सुरेंद्र हैं, तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनका डिफेंस। लेकिन वहीं पर उनका रेडिंग लाइनअप उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। लास्ट सीजन इनके पास सिद्धार्थ जरूर थे, लेकिन इस बार इनके पास अभिषेक सिंह है, जो लास्ट सीजन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन सपोर्ट है उन्होंने किया था। तो इस बार प्रॉब्लम होने वाला है यू मुंबई के लिए रेडिंग में। अगर अभिषेक सिंह अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो ये टीम जरूर इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज सेकेंड और थर्ड रेडर इनके पास अच्छे खासे हैं, जैसे रोहित बालियान हो गए, अतुल एमएस हो गए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन कोई मेन रेडर नहीं है। तो ये है दोनों टीमों का, मतलब आप कह सकते हो एनालिसिस, दोनों टीमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और एनालिसिस करने के लिए इनके बीच कुछ है नहीं, बिकॉज एक टीम है जो जिनका कुछ पोजीशंस बहुत अच्छा है, कुछ पोजीशंस ख़राब है, एक टीम ऐसी है जिनका डिफेंस बहुत अच्छा है और रेडिंग लाइनअप आप कह सकते हो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो गाइस फाइनली अब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप आई बटन पर क्लिक करके आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो कि इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी, यू मुंबई और तेलुगु टाइटंस। आई बटन पर मैंने एक पोल क्रिएट करके रखा है, तो आप वहां पर वोट कर सकते हो। तो गाइस मेरे हिसाब से तो बहुत दोनों डिफरेंट टीम है, जैसा मैंने आपको बताया यू मुंबई बहुत अच्छी टीम है डिफेंस में, वहीं पर तेलुगु टाइटंस आप कह सकते हो अच्छी टीम है, अच्छी भी टीम है, और कभी कभी वो टीम ख़राब भी हो जाएगी। तेलुगु टाइटंस कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन कभी उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है इस सीज़न में। तो ये तो डिपेंड है कि कौन सी टीम कैसा खेलती है। मेरे हिसाब से अगर सिद्धार्थ देसाई अच्छा करेंगे इस मैच में, बिकॉज अगर सिद्धार्थ देसाई अच्छा करेंगे मीन्स यू मुंबई का डिफेंस फ्लॉप हो गया,
तो अगर सिद्धार्थ देसाई इस मैच में अच्छा करते हैं तो मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि इस मैच को तेलुगु जीतेगा। बिकॉज अगर सिद्धार्थ अच्छा करते हैं तो उनका डिफेंस फ्लॉप हो जाएगा, जो उनका मेन पावर है। और गाइज मुझे तो यही लगता है, अगर युम्बा की टीम सिद्धार्थ को रोकने में कामयाब हो जाती है और उनके सारे रेडर्स को रोकने में कामयाब हो जाती है तो इस मैच को आसानी से युम्बा निकाल सकती है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि सिद्धार्थ मरे और पॉइंट भी ले तो ये मैच नेल बाइटिंग भी हो सकता है। बात करें विनर के बारे में तो गाइज मेरे हिसाब से इस मैच को तेलुगु टाइटन्स जीत सकती है। जैसे मैंने बोला कि तेलुगु टाइटन्स कुछ मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, कुछ मैच में डाउन जरूर जाएगी, लेकिन ये पहला मैच है मेरे हिसाब से, इस मैच में तेलुगु अच्छा कर सकता है। वैसे हम कुछ कंफर्म तो नहीं कर सकते, मुंबई भी जीत सकता है, तो आप अपना प्रेडिक्शन जरूर कॉमेंट्स में लिख कर बताना। और बस यही थे वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कॉमेंट्स में लिख कर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, अगले वीडियो के लिए वेट करना है।